मेरे लल्लाक की जिंदगी में वापिस आ जा गुड्डन। मैं मानती हूँ बेटा, बहुत बड़ी चीज मांग रही हूँ तुझसे, पर मैं क्या करूँ? उसे मेरे बच्चे को इस तरह खुद को बर्बाद करते हुए देखने की हिम्मत नहीं है। पिछले 4 सालों से हर मुमकिन कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन मैं उसका दर्द कम नहीं कर सकी बेटा। वो किसी की नहीं सुनता, सारा वक्त शराब में डूबा रहता है, कब उठता है कब सोता है, कहाँ जाता है कब आता है, मुझे कुछ नहीं पता होता बेटा। दो दो दिन तो मैं उसकी शक्ल नहीं देख पाती, बस ठीक ठाक घर में आएगा या नहीं इसी डर से मेरा पूरा वक्त निकल जाता है। बेटा वो कहता है वो तुझसे नफरत करता है, पर नहीं बेटा, मैं जानती हूँ वो तुझसे बहुत प्यार करता है। उसने अपने आप को बंद कर लिया है, प्यार को दबा दिया है उसने। अंतरा के साथ तो है, लेकिन मेरे बच्चे उसकी सांसें सिर्फ तेरी यादों की वजह से चल रही है। ये बात तो मैं आंखें बंद करके भी कह सकती हूँ। उसकी जिंदगी में वापस आ जा बेटा। मैं अपने बच्चे की जिंदगी की भीख मांग रही हूँ तुझसे, मांग रही हूँ। माँ जी प्लीज, कैसी बातें कर रही हैं अभी, हमें इस तरह शर्मिंदा मत कीजिए प्लीज। आप जानती हैं ना हमसे ये नहीं हो पाएगा। लल्ला के लिए ना सही, मेरे लिए ही सही। माँ जी प्लीज, इस बार आपकी गुड्डन से ना हो पाएगा। देखिए ना माँ जी, अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ गए। पूरे 4 साल लगे हमें ये इतना कुछ पाने में। हम जानते हैं माँ जी कि ये इतना कुछ उसकी बराबरी नहीं कर सकता जो इन 4 सालों में हमने खोया है। और आपने ही सिखाया है ना अपनी गुड्डन को कि सब मुसीबतों को, सब मुश्किलों को निपटकर आगे कैसे बढ़ना है। जब हम आगे बढ़ गए हैं तो आप हमें वापस क्यों लाना चाहती हैं? नहीं आ पाएंगे हम तो। ठीक है, अपने ही इन हाथों से ना मेरा गला दबा दे, मार डाल मुझे। अगर तुम उस घर में वापस नहीं आ सकती तो मेरी अर्थी तेरे उस ससुराल में जाएगी। दबा दे मेरा बेटा, मार दे। कैसी बातें कर रही है माँ जी, आप पानी पीजिए। क्यों आप इस तरह की बातें कर रही हैं माँ जी, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? इस तरह हमें मजबूर मत कीजिए प्लीज। हम आप जानती हैं ना हम आपको मना नहीं कर पाएंगे। पर तू मना क्यों करना चाहती है, कोई वजह तो बता। वजह तो आपके सामने है ना माँ जी, कैसे 4 साल पहले उन्होंने खुद हमें उस घर से निकाला था। लल्ला तब गुस्से में था, वो इन बातों को नहीं मान रहा। बातें तो हमारे लिए कही गई थी ना, आप खुद बताइए, आप हमें अपनी बेटी मानती हैं ना, क्या अपनी बेटी को ऐसे किसी घर में देंगी जिस घर में उसकी इज्जत ही ना हो, उसे बेइज्जत करके निकाला गया हो, देंगी आप? और आपको पता है मां जी, आपकी गुड्डन जिंदल परिवार के लिए सरेआम बेइज्जत होने को तैयार है, लेकिन जब अपने ही लोग उसकी बेइज्जती करते तो कैसे सह लेती? नहीं माँ जी प्लीज, हमें शर्मिंदा मत कीजिए। माँ जी आपसे बहुत प्यार करते हैं हम, जान मांग लीजिए भले ही हमसे, बिना चू करे दे देंगे। और कसम है आपको हमारी, हमें उस घर में आने के लिए मजबूर मत कीजिए माँ जी, इस बार गुड्डन से सच में ना हो पाएगा। क्या इतनी देर से आप धूप में खड़ी हैं? तबीयत खराब हो गई तो? चलिए आप अपना ख्याल रखिएगा और हमें आशीर्वाद दीजिए। चलिए
बड़ी बेशरम हो तुम, घर तक पहुंच गई? हाँ लल्ला। एक मिनट माँ, मैं बात कर रहा हूँ, मुझे प्लीज बात करने दीजिए। हाँ, 4 साल पहले खुद ये घर छोड़ के गई थी ना, तो बेशर्मों की तरह बार 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 वापस क्यों आती हो? ओ, बेटा एक मिनट इधर देख, इसको जाने दे। तू जा रही थी ना, जा। आ जाओ। नहीं माँ जी, अब जब आए ही है ना तो अब तो 2-4 बातें करके ही जाए। अच्छा। हाँ तो मिस्टर जिंदल, क्या क्या पूछ रहे थे आप कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं? तो क्लियर कर देते, हम यहाँ पर आपकी माँ जी और हमारी एक्स सासू उन्हें घर तक छोड़ने आए, क्योंकि क्या है ना, आपके साथ जो रिश्ता था वो था, लेकिन माँ जी के साथ जो रिश्ता था ना वो अभी भी बरकरार है। मुझे सब समझ में आता है समझी ना, तुम मेरे घर को छोड़ के जा ही नहीं पाती हो, क्योंकि तुमको मुझसे अच्छा रिश्ता पूरी मार्केट में नहीं मिलेगा, इसलिए माँ के बहाने से बार बार यहाँ आती हो तुम। देखा माँ जी, इसी की बात कर रही हूँ। माँ से क्या कंप्लेंट कर रही हो, मैं सामने खड़ा हूँ, मुझसे बात करो, डरती हो क्या? नहीं 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 नहीं, डरते नहीं है। प्रॉब्लम पता है क्या है? क्या है? कि हमें ना अपने से बड़ी उम्र के लोगों से बदतमीजी नहीं। वेरी फनी, आई लाइक योर सेंस ऑफ ह्यूमर। लेकिन एक बार ना जाके तुम आईना देख लो, आज भी तुमसे ज्यादा फिट और गुड लुकिंग यंग मैं दिखता हूँ, समझी? तो कैसे आदमी आप, अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए अब अपनी एक्स बीवी जो कि हीरोइन बन चुकी है उससे कंपटीशन करेंगे? कंपटीशन बराबर वालों के बीच में होता है मैडम, आप नीचे हैं, नीचे, समझी? एक काम करते हैं, वोटिंग करवा के देख लेते हैं, पता चल जाएगा कौन है फिट कौन है अमेजिंग। अंकल अंकल बताओ मैं तुम्हें, मतलब धमकी दे रहे आप हमें? धमकी नहीं, बता रहा हूँ तुमको, सुधारना यूं आता है। बस 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 बस, तुम दोनों के नोट जो देखे ना मुझे पुराने दिन याद आ रहे हैं। आज के लिए बस इतना बहुत है, बहुत। तो माँ जी आज आपने रोक लिया, वरना पता नहीं क्या ही हो जाता हमारे हाथों। ओहो, वो तो आप माँ जी के बेटे हैं इसलिए बच गए बच्चों, वरना हम बता रहे हैं ये मिस्टर जिंदल का है ना, मिस्टर दलदल बनाकर रख देंगे हम किसी दिन। माँ ने मुझे तुमसे नहीं मैडम, तुम्हें मुझसे बचाया है, गेट दैट क्लियर? अच्छा अच्छा, माँ जी के लिए आज से ही बचे हैं, वरना सुना देते अच्छे तरीके से। निकलो चलो प्लीज गो, अब जा ही रहे हैं। तो जाओ ना, टाइम पास क्यों कर रहे हो? कोई शौक भी नहीं है। हाँ ये कहां से आया? ए! हटाइए इसे। तुम दोनों जितनी कोशिश कर लो एक दूसरे से दूर जाने की, मगर काना का इरादा कुछ और ही। ये जाल कहां से आया है? बाहर निकालो मुझे, इससे पहले कि लड़की मेरे दिमाग का दही बना दे। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इस दुनिया में ना आपसे भी मशहूर मशहूर है, पर खासकर मुंबई में तो बहुत अच्छे अच्छे, और आपका ये सड़ा सा दिमाग खा के ना मैं अपना पेट नहीं खराब करना अंकल। जस्ट शट अप, ओके? ए, जल्दी आओ, बाहर निकालो मुझे, बाहर करो से। कुछ पैसे चाहिए थे, अरव की फीस भरनी है ना, इसलिए 50,000। 50,000? क्या अरव बड़े होकर देश चलाएगा क्या, जो इतने महंगे स्कूल में भेज रही है उसको? देखिए मेरी मानिए ना, तो आसपास सरकारी स्कूल बहुत है जिसकी फीस 1,000 और 2,000 है, तो वही उसका एडमिशन करवा दीजिए। अंतरा जी, मैं सही बोल रही हूँ ना? दुर्गा बहू, तुम इस घर की बड़ी बहू हो ना, तो मैं कैसे मना कर सकती हूँ? मैं चेकबुक दो मुझे, पागल हो गई है, ये लो। ये लो। दो लाख? मैंने 50,000 ही मांगे हैं सिर्फ। हाँ करेक्ट, ये 2 लाख का जो चेक है उसे बैंक में डिपॉजिट करना, 1.5 लाख रुपए मुझे दे देना और 50,000 तुम रख लेना। ये तो धोखा है ना, आरव की फीस के नाम पे हम एजे के पैसे का ऐसे ये घर का बहू
तुमने वो कहावत नहीं सुनी, आम खाओ गुठलियां मत गिनो। और तुम क्या चाहती हो, तुम्हारा बच्चा मैथ्स या साइंस पढ़े या फिर तुम मुझे यहाँ पे मॉरल साइंस का लेक्चर दोगी और पकाओगी? चॉइस इज योर्स। बड़ी नाशुक्री हो यार तुम, मैंने तुम्हारी मदद की और एक छोटा सा थैंक यू भी नहीं निकला। पैसों के लिए शुक्रिया अंतरा। इस घर में मेरा रिश्ता तुम्हारे साथ क्या है? कौन हो तुम, कौन हूं मैं? सासू माँ। करेक्ट, सासू माँ। और अब मैं क्या सोच रही हूँ, सासू तुम बहू हो तो बहू होने के नाते तुम्हारे कुछ फर्ज बनते हैं ना। हाँ, फर्ज नहीं, धर्म, जो तुम्हें निभाने चाहिए, है ना? स्वरूप, आज ना पता नहीं क्या हो गया यार, मेरे पैर बड़े ही दर्द हो रहे हैं। काश कोई होता जो मेरे पैर दबा देता। अंतरा जी, आस पास नजर घुमाइए ना। देखिए ना आपके सामने कौन खड़ा है। अब दुर्गा दी ये आपके पैर दबाएंगी ना। अब अंतरा जी ने आपके लिए बहुत कुछ किया है तो पैर दबाना क्या है, तो बहुत छोटी सी बात है, आपको ना इनके पैरों में गिर जाना चाहिए। चलिए पैर दबाइए। अंतरा जी, आपको नहीं लगता कि आप दुर्गा दी की मजबूरी का कुछ ज्यादा ही फायदा उठा रही हैं? लक्ष्मी नहीं, करेक्ट, ये बात बिल्कुल सही कही तुमने। मतलब दुर्गा बहू को अकेले फायदा क्यों उठाना चाहिए ना, तुम भी तो इसकी राइट हैंड हो, तुम्हारा भी तो फर्ज बनता है ना थोड़ा बहुत फायदा उठाने। तो चलो रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करो, एक पैर दुर्गा बहू और दूसरा पैर तुम। दिन में सपने देखना बंद कर दीजिए। और क्यों लगता है आपको ऐसा है कि दुर्गा दी और मैं आपकी पैर दबाएंगे? ताकि आरव के सपने चकनाचूर ना हो, वो पढ़ लिख के एक बड़ा आदमी बने, तुम चाहती हो या नहीं? गुड गर्ल। याद है ना, गुड्डन सासू माँ ने कभी हमारे साथ ये व्यवहार नहीं किया। अच्छा, बहुत याद। कोशिश कर तो रही हूं मैं, उसके अलावा क्या कर रही हूं इस घर में? चाहती हूं कि ये घर में सब लोग खुश खुशी रहे, आप मुझे एक मौका क्यों नहीं दे रहे? मतलब क्या गलती है मेरी? मैं जानती हूँ कि मैं गुड्डन नहीं हूँ, नहीं बन सकती यार। जब देखो गुड्डन की तारीफ करते रहते हैं मेरे सामने, वही गुड्डन है ना जो इस घर को इतनी तकलीफों में डाल के चली गई, उस गुड्डन की वजह से तो ये हालात है ना हमारे। और मेरा अक्षत इतना दुखी रहता है उसकी वजह से। और अगर गुड्डन बनने का मतलब ये है कि मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊं और किसी की परवाह ना करूं, तो नहीं बनना मुझे गुड्डन यार, नहीं बनना है मुझे। ये ऐसा कुछ भी नहीं है, आप एक बार मेरी बात सुन तो लीजिए। मुझे आप लोगों की बात समझने में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, तो आपकी बात सुनकर मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूंगा दुर्गा बहू? मैंने आप लोगों से कितनी बार कहा है, मुझे इस घर में गुड्डन का नाम तक नहीं सुनना है। गुड्डन आपकी सास नहीं है,
अंतरा है और वो जो कहेगी बिल्कुल वैसा ही होगा इस घर में। दिस इज योर लास्ट वार्निंग। समझी। आज यहां गुड्डन होती तो ये सब नहीं होता। हे काना, कोई तो रास्ता दिखा दे। गिल्ट ट्रिप पर निकल पड़ी दी? सच बताएं, मांजू को पहली बार किसी चीज के लिए मना किया ना, बहुत बुरा लग रहा है। किस चीज के लिए? जिंदल भवन जाने के लिए। देखना अब तू, वो चाहती है कि हम जिंदल भवन वापस आ जाएं, लेकिन तो इसलिए हमने उन्हें मना कर दिया। लेकिन जब से मना किया ना, ऐसा लग रहा है कि हमने कुछ गलत कर दिया। कुछ समझ में नहीं आ रहा, सही किया गलत किया, सांस भी पकड़ में नहीं आ रही है। हाँ तो इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? आपने जो भी किया बिल्कुल सही किया। अरे ठेका लेके रखा है क्या उन लोगों की खुशियों का? अब बताऊँ क्या, उनकी खुशियों के चक्कर में ना आप सूली चढ़ जाते हो हमेशा। तो आपने जो भी कुछ किया बिल्कुल सही किया। अरे जिए या मरे हमें उससे क्या? कैसी बातें कर रही है तू? नहीं मतलब कुछ भी बोलती रहेगी कि अगर हम कुछ नहीं बोलेंगे तो, सोच तो ले आकर बोलने से पहले। नहीं दी, मैं तो बस बोल रही हूँ, हम वहाँ रहते थोड़ी ना है। तो रहते नहीं तो घर तो है ना। क्या मतलब, आज भी हमारे मन में उनके लिए वही इज्जत वही प्यार है छुटकी, और तेरे भी होनी चाहिए। और क्या मरने मराने की बातें कर रही है? मैम आप रेडी हो तो सर रीडिंग के लिए बुला रहे। जताती भी नहीं और छुपा भी नहीं पाती है कि दी उन लोगों के बारे में कितना सोचती है। वहां सबको, खास करके जीजू को आपकी सख्त जरूरत है दी। And I know, आपको ये ना जल्द रियलाइज हो जाएगा और आप अपने घर वापस चले जाओगे। गुड्डन, तुम यहां दुल्हन के लिबास में एकदम एक्साइटेड हो, हैप्पीनेस। तुम्हारी शादी हो रही है, तुम हीरो का वेट कर रही हो। तभी हमारा हीरो दूल्हे के गेटअप में एंट्री मारता है। वो एकदम गुस्से में तुम्हारी तरफ आगे बढ़ता है। तुम घबरा जाती हो, इससे पहले कि तुम कुछ कर पाओ वो तुम्हें किडनैप करके गाड़ी में भगा ले जाता है। समझी? तुम बस जोर जोर से पूरे इमोशंस के साथ चिल्लाना, बचाओ बचाओ, प्लीज मुझे बचाओ, मुझे जाने दो, वगैरह वगैरह। रोल कैमरा, चलो फ्रेम क्लियर करो, गोइंग फॉर द टेक, रोल, क्लैप, एक्शन। शॉट ब्रिलियंट। अबे हीरो ये है तो मेरी हीरोइन को कौन ले गया है? अरे कोई हमें जहान से बचाओ ना प्लीज, कोई है, बचाओ, भगवान के लिए हमें जाने दो ना प्लीज। क्यों वेट कर रहे हो ना?
शूटिंग से बोलो ना। अब फिर से शुरू करना। और अब वक्त से क्यों देता? चलो एक्शन कौन बोलेगा? हम ही बोल देगा। चल ओके स्टार्ट। 1 2 3 एक्शन। अरे कोई है? बचाओ! अरे प्लीज हमें भगवान के लिए छोड़ दो ना, भगवान के लिए छोड़ दो हमें प्लीज। इतनी बकवास एक्टिंग का पैसा मिलता है तुम्हें? क्या? ये एक्टिंग वाली नहीं, असली की किडनैपिंग हुई है तुम्हारी।